जी बहुत मारा ना आपको लोगों ने। ये जरूरत ही है लड़कियों वाले कपड़े पहनकर ठुमक ठुमक के घूमने की, और ये 6,000 रुपए की साड़ी साड़ी खराब कर दी आपने। भाई थारे को 6,000 की साड़ी नजर आ रही है, है? पूरी पब्लिक अपना हाथ साफ कर गई, वो नजर नहीं आ रहा तुझे, है? किसने कहा था ऐसी लुगाइयों के कपड़े पहनकर हमारे पीछे आगे पीछे डोलने का? रवि आज अगर मैं लड़की बन के यहाँ ना आता ना तो थारी थारी पोल ना खुलती। रवि तूने तो बताया नहीं मुझे वैद्यरानी से तू इलाज कराती अपना, है? ये सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। तो करना है भगवान ने ही करना है, और क्या गारंटी है कि गारंटी की बेटा ही होगा। गारंटी एक बात बताओ, हमारी दुकान में बिकने वाली साड़ियों की है? फिर भी चलती है ना, बिकती है ना। आप नहीं जानते वैद्यरानी जी का डंका बजता है, कितनी लुगाइयां थी वहाँ, कितनी भीड़ थी आपने देखा ना। अरे के करूँ वैद्यरानी और उनकी आंटियों का मैं, तू इन सब चक्करों में मत पड़ मीना, मैं पहले बता रहा हूँ तो ये सब सब सबसे ठीक नहीं है सब। देखो जी आप भी ना हद करते हो, गलती से अगर लड़के की जगह लड़की हो गई तो भाई तो क्या हो गया है? लड़कियां औलाद नहीं होती? लड़की हो या लड़का हो क्या फर्क पड़ता है तुम? आपको खोरी फर्क ना पड़ता पर मारे को जरूर पड़ता है, ये घर की रामलीला है, आप को नहीं समझोगे। वैसे भी देखा नहीं जेठ जी का घर में कैसे डंका बजता है, और जेठ जी के साथ साथ कैसे डंका बजे है जेठानी जी का, आपको तो कोई पूछता भी को नहीं। और सोचो अगर उनके लड़का हो गया तो वो पहला लड़का कहलाएगा, हमारा वाला दूसरा, हमारा छोरा भी ऐसे ही रोएगा जैसे आप रोते हैं। घूरिए मत, अब घर चलिए, सब लोग हंस रहे हैं। हंस क्या रहे हो? चलो जी आओ जी। आई आई, आई। जी इतनी जल्दी ब्लाउज और पेटीकोट कहाँ से मिला आपको, है साड़ी किसने बांधी आपकी? भाई पता नहीं कहाँ कहाँ की सोच लेती है। रवि हमारे घर में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, थारे दिमाग में ना कीड़े भरे पड़े हैं, कीड़े जल्दी से कीड़ों को निकाल दे वरना दिमाग खोखला हो जाएगा थारा, मरवाएगी किसी दिन। जेठी जेठानी जी आ गए, जल्दी करो नहीं तो यहीं आ जाएंगे थानेदार ने पूछना शुरू कर देगी कि मारी दुकान पे क्या कर रहे, जल्दी चलो। अरे पकोड़ा पकड़ इसे दुकान में रख। हाँ भैया क्या हुआ? भैया वो ठंड को ज्यादा ही फेल दिए कल, ठंड भी इतनी हो रही है कि नस खिंच गई। हल्दी वाला दूध पी लेना। हाँ भैया। सूरज भैया पानी। सूरज भैया वो नए सूट के साथ। थैंक यू भैया। हल्दी वाला दूध पी लेना ना। अरे भाई कोई दूध पिलाने वाला तो हो हल्दी वाला। हल्दी वाला दूध छोड़ो, देखा देखा आपकी छोटी बहन को, अरे बड़ा ही भाई दिखा पानी पिलाने के लिए, आपसे तो पूछा भी क्यों नहीं। मारे को ये देख के बड़ा बुरा लगा जी सच्ची। फर्क बड़े और छोटे का फर्क ना जी ना, मारे को तो बेटा ही चाहिए, बस बेटा। बीनड़ी जी बाबू जल्दी जल्दी करो। वैसे बात तो गलत है, हैं? बड़े भाई से पानी पूछा पर छोटे भाई से नहीं पूछा। अबे बड़ा भाई से पूछा तो 500 रुपए देने पड़े। अबे क्या करना है ऐसा पानी पी के 500 रुपए का।
बेनड़ी, मुझे थारी से बात करनी है। कहिए बाबू। बेनड़ी, भले ही सूरज के फैसले से सारा घर खुश है, पर पता ना है मैं खुश ना। आज से 15 साल पहले एक 14 साल के टाबर ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने हाथ में हलवाई की कड़छी उठाई थी, पर तब उसे पता न था कि उसका भविष्य क्या होगा। मारे सूरज ने अपना स्वभाव, अपनी लगन, अपनी मेहनत से नाम कमाया है। ग्राहक नहीं, भीनी परिवार बढ़ाया, और वो ही मेहनत का फल है कि आज हर हलवाई के लिए सूरज की दुकान मंदिर समान है। और आज वही मंदिर बंद होने जा रहा है। मुझे दुकान की परवाह ना है, उससे जुड़ी हुई सूरज की जिंदगी की फिक्र है। मैंने 20 कमाना सूरज की जरूरत है, नशा ना है बेनड़ी। आज भले ही घर बैठे उसे अच्छे खासे पैसे मिले, पर ना बेनड़ी, मारे लिए पैसे से ज्यादा मारी सूरज की खुशी की कीमत है। मारे से पूछ बेनड़ी, जब उसके हाथ में हलवाई की कड़छी होती है ना, तुम्हारी नजर में सूरज से ज्यादा संतोष इंसान और कोई ना है। रे, जब उसकी हाथ की बनी हुई मिठाई सब खावे है ना, और उनके चेहरे पर वो सुख देखे है ना, तो उसका खून बढ़े। रे, ये तो वही बात हुई ना कि आजाद पंछी ने सोने के पिंजरे में लाकर कैद कर दिया था। शायद सूरज ने इस बात का अंदाजा ना है कि वो दुकान नहीं, अपनी खुशी बेच रहा है, अपने हुनर का सौदा कर रहा है वो, जिसके लिए उसने 15 साल की मेहनत लगाई है। जानू भी सबकी रख रख जानू, बाबा साहब के अलावा बाकी सबने तो घर में सिर्फ पीसा आता दिख रहे हैं। बीनी, माँ बाप के अलावा एक पत्नी होवे है जिसके लिए उसकी पति की खुशी अपने स्वार्थ से भी ऊंची होवे है। और बीनड़ी, तूने तो हमेशा उसका भला ही चाहा है ना, तू पढ़ी लिखी है, समझदार है, सूरज के लिए सही कह, तू ज्यादा अच्छे तरीके से जाने। तू बता, तने के लगे कि सूरज जो फैसला कर रहा है कि उसमें खुश रह पाएगा? बता बीनी, बता। बाबू, सूरज जी। बाबू दुकान चलिए, पूजा का समय होता जा रहा है, आइए। हाँ छोरा जी, जल्दी आइए। चल बीनी। संतोष, वो खीर तूने?
नीचे वाला स्वस्तिक देख रही हो ना, वो जो नीचे है छोटा सा, वो तब बना था जब 14 साल की उम्र में सूरज ने काम संभाला था और पहली दिवाली सामने आई थी। वो स्वस्तिक तब से वैसा कि वैसा ही है, चाहे जितनी भी रंग रंगोटी हो हर साल उसको हम छूते ही नहीं। दुकान की तो ये आखिरी दिवाली है, क्यों ना आखिरी बार हम सबको आप अपने हाथों की गर्मा गर्म जलेबी खिलाएं। हाँ मीनाक्षी, आज मैं अपने हाथों से इस खुशी के मौके पे पूरे परिवार को जलेबी बना के खिलाऊंगा। जलेबियां तो ऐसी लगती है जैसे अंड देवता खुद भोग लगा के गए हो। सच बड़ी अच्छी है। सही बात है भैया, आपके हाथ की बनी चीज की तो बात ही कुछ और है। क्या हुआ छोटू, खा क्यों नहीं रहा? कुछ नहीं सूरज भैया, मन नहीं कर रहा। वैसे छोटू आज बात क्या है, तुझे फुलझड़ी जलाने की जल्दी नहीं क्या? अरे हमेशा तो पूजा के बीच में से उठ के भाग जाया करता था। हाँ चल 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 चलाते हैं, आजा। अरे
बाबू, तुझे फुलझड़ी की रोशनी बहुत अच्छी लगती है ना, मैं तेरे लिए जला के लेके आता हूँ। वहां से दूसरी जलाइए, मैं एक मिनट आया। बाबू 8 बज गए, मुझे वो सौदे के पेपर पर दस्तखत करने जाना है। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।